हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पार्ट वन कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से सॉरी आई थिंक लिक्विड वेस्ट से नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, जिसे हमने अभी कंप्लीट किया है रिसेंट में ही। और साथ ही साथ मैंने आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है लास्ट यूनिट की, और उसके साथ ही साथ मैं पार्ट वन की कंप्लीट पीडीएफ बना रहा हूँ, जिसको मैं आपको कुछ एक दो दिन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी बच्चे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, पार्ट टू में मैंने कुछ नया किया है। मैंने ये नया किया है कि अब मैं आपको वीडियो बोथ लैंग्वेज में अलग अलग सेपरेट प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वो जैसे मैं इंग्लिश से लिख पढ़ रहा हूँ, फिर इंग्लिश में थोड़ी हिंदी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो हिंदी वाले बच्चे नहीं पढ़ रहा, तो क्या होगा, वीडियो बोथ लैंग्वेज में मिल रही है, अलग अलग मिलेगी। मतलब जैसे आज मैंने जैसे इंग्लिश अपलोड की, तो तुरंत हिंदी भी अपलोड हो जाएगी, तो सेपरेट वीडियो होगी। जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश देखना है, मगर मैं ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बोथ बाइलिंगुअल ही यूज करूंगा, मगर जो आपका कंटेंट रहेगा वो हिंदी में अलग रहेगा वीडियो का, और जो इंग्लिश वाली वीडियो रहेगी वो अलग रहेगी, ठीक है। तो अगर पार्ट टू की बात की जाए, और साथ ही साथ आपका जो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है, तो उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। उसमें हम जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और एक नई बात यह है कि 1 मार्च 2022 से हम लोग बिहार पीएससी का प्रैक्टिस लाने वाले हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिस रखूंगा ज़्यादा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं कोर्स कराऊंगा तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे पास 2 मंथ भी नहीं बचे हुआ रहा, 26 अप्रैल नियरली मुझे लगता है आप लोग का एग्जाम है, तो एग्जाम के पर्पस को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट अलग इसलिए होगा कि उसमें डिटेल डिस्कशन भी रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो उससे 4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। और दूसरी बात, मैं आपके उस पार्ट की गारंटी लेता हूँ जो आपका 70 मार्क्स का नियरली आता है, जिसमें आपका साइंस वगैरह रहेगा, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, और साथ ही साथ करंट रहेगा। तो मीन्स आपका नियरली 70 मार्क्स तक की मैं गारंटी ले लेता हूँ कि आपको सेवेंटी के साथ में 50+ मार्क्स प्रोवाइड कराऊंगा हर हाल में। मगर जो आपका 80 में जो आपका जीएस है, जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपका इकोनॉमिक्स पार्ट है, जो आपका डेली बेसिस वाला इकोनॉमिक, तो वो आपको कंप्लीट करना है अगर टाइम मिला, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए देखेंगे। तो आपका जो वो 70 मार्क्स है, उसमें मैं सियोरिटी के साथ आपको 50 या 60+ मार्क्स प्रोवाइड करा के ही रहूंगा, और वो आपको सियोरिटी के साथ मिलेंगे, ठीक है। इतनी हम लोग को प्रैक्टिस कर लेनी है, और साथ ही साथ साइंस और मैथ के बहुत ही छोटे छोटे 5 या 10 मिनट्स के टॉपिक रखेंगे। मैं वही टॉपिक दूंगा जिसमें आपको फायदा मिल रहा है, ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ भी साइंस पढ़ाया जा रहा हूँ, वो पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आता ही अगले साल भी आएगा, तो बस उसी पे मैं वीडियो दूंगा आपको 10 या 15 मिनट की। और प्रैक्टिस सेट हमारा अल्टरनेट चलता रहेगा, जिसमें से आपके 150 क्वेश्चन होंगे न्यू पैटर्न के अनुसार, और उसे हम लोग कैरी करते रहेंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कशन रहेगा, तो एक क्वेश्चन से हमारे नियरली 2 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ और इंक्लूड की है मैंने अपने चैनल में, तो अभी फिलहाल। और ये जो चीज़ है, ये हमारी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। कल मैं इसका आपका जो क्वेश्चन पेपर भी है, बन गया है पूरी तरीके से बोथ लैंग्वेज में, तो कल मैं उसके क्वेश्चन पेपर मतलब इसका प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग पार्ट टू की। तो पार्ट टू में जो बेटा पहली यूनिट है, उसको बस आपको समझना है, उसमें कुछ आपको अंडरस्टूड बस कर लेना कि हाँ ये चीजें होती है। मेन जो इसका है, वो सेकेंड पार्ट से स्टार्ट है, मेन यूनिट टू से। तो आज हम यूनिट फर्स्ट के कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनके बारे में जान लेंगे, और उसके बाद हम सीधे यूनिट टू में चलेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होता है वेस्ट वाटर से। तो चलिए, समय नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो पानी, गंदा पानी आ रहा है, पानी के द्वारा जो वेस्ट हमें मिल रहा है, उसका कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वही चीज है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो सीवेज, जो हमारा सीवेज इज जनरेटेड जनरेटेड व्हेन एवर वी यूज वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, जो हम वाटर डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, हैज टू बी कलेक्टेड एंड ट्रीटेड फॉर रीयूज, और कलेक्ट करके उसे दोबारा रीयूज करने में। द सीवेज इज कम्पोज ऑफ ग्रे वाटर। तो सीवेज जो होता है बेटा, उसमें 2 प्रकार के वाटर होता है। पहला वाटर होता है ग्रे वाटर। अच्छा, ये ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टॉयलेट। टॉयलेट वाले वाटर्स को जो छोड़कर, लीव करके, जो इतने भी सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, डेट इज कॉल्ड द ग्रे वाटर। एंड द ब्लैक वाटर, एंड द ब्लैक वाटर फ्रॉम टॉयलेट। टॉयलेट फॉर्म से जो आपका सीवेज से जो
वेस्ट वाटर निकलेगा वो आपका कहलाएगा ब्लैक वाटर। इट इफ वी डू नॉट यूज टू सेपरेट पाइप फॉर द कलेक्टिंग ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वाटर, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट वाटर हैज टू बी ट्रीटेड। तो अगर आप क्या कर पा रहे हैं, अगर उन दोनों को अलग अलग अगर सेपरेट कर पा रहे हैं तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर हैज टू बी ट्रीटेड। तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अगर आप मीन्स कहने का मतलब कि अगर आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे, मतलब कौन कौन से वाटर को, पहला आपका ग्रे वाटर हो गया, दूसरा आपका ब्लैक वाटर हो गया, अगर आप इन दोनों वाटर को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज। उसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन इंडिया अबाउट 50% ऑफ सीवेज इज डू नॉट बी कलेक्टेड एंड ट्रीटेड इन इंडियन सिटी, दिस एंड दिस परसेंटेज हायर इन द रूरल एरिया। तो जो आपके आपके ग्रामीण इलाके हैं और जो आपके जहाँ पे क्या होगा था, ज्यादा ज्यादा 50% ऑफ द जो सीवेज से वेस्ट होता है या सीवेज का जो लिक्विड वेस्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, ट्रीट नहीं कर पाते, और वो बिना ट्रीट किए ही हुए भी वो कहाँ पे पहुंच जाता है, आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ कि बिना ट्रीटेड किए हुए वो आपके रियर ओशियन के एरिया में क्या कर दिया जाता है, पोटान के दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जिसके कारण क्या हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, दिस इज अनट्रीटेड सीवेज कंटामिनेंट द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। चूंकि हमारा जो वाटर का रिसोर्स है वो आपका रिवर्स हो जाती है, पॉन्ड्स रिवर्स हो जाते हैं, आपका ओशियंस आ जाते हैं, तो वहां से क्या हो जाते हैं, बहुत प्रकार की क्या हो जाती है, वहां से बीमारियां हमारी जनरेट हो जाती है, स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीज क्या हो जाती है, वाटर बॉर्न डिजीज हमारी डेवलप हो जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, मैनेजमेंट ऑल्सो भी डिस्कस द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB 2019 एस्टिमेट्स दैट द वाटर डिमांड इन इंडिया विल इंक्रीज द सिग्निफिकेंटली बाई 2050। तो जो वाटर की डिमांड है उसको एस्टिमेट लगाते हुए जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2009 ने जो डेवलप किया कि सिग्निफिकेंटली बाई द 2050 तक हमें वाटर की बहुत ज्यादा ही डिमांड हो जाएगी। द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर डिमांड एज स्टेटेड इन CPCB रिपोर्ट एज वी फॉलो। तो जो CPCB की रिपोर्ट दी गई है 2050 तक वो क्या है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो उसने कहा कि जो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो आपका सिंचाई डिपार्टमेंट है, उसमें अभी जो फिलहाल चल रहा है कितना वाटर रिक्वायरमेंट है पर डे, आपका 688 किलोमीटर क्यूब, इंक्रीजिंग टू 1072 किलोमीटर क्यूब बाई 2050। 2050 तक कितनी बढ़ने की उम्मीद है, 1075। सिमिलर द ड्रिंकिंग वाटर इज 56 किलोमीटर क्यूब, इंक्रीजिंग टू 102 किलोमीटर क्यूब बाई 2050। जो पानी, पीने योग्य पानी है उसका कितना है, अभी फिलहाल 56 किलोमीटर क्यूब चल रहा है, वो 102 किलोमीटर क्यूब बाई 2050 में हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री क्या कह रहा है, इंडस्ट्री में जो वाटर होगा वो 1200 किलोमीटर क्यूब से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर क्यूब बाई 2050। बात करते हैं एनर्जी में, एनर्जी में अभी आपका क्या यूज हो रहा है, 5 किलोमीटर क्यूब, इंक्रीजिंग टू 130 किलोमीटर क्यूब बाई 2050। अदर यूजेज में आपका 52 किलोमीटर क्यूब अभी फिलहाल यूज हो रहा है, जो आगे चल के इंक्रीज हो सकता है 80 किलोमीटर क्यूब बाई 2030। तो ये CPCB के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है कि 2050 तक आपके इस तरह इंक्रीमेंट प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो ये रहा कुछ पॉइंट। उसके बाद हमारा एक इसमें टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जो कि समझ लीजिए आपका पूरा पार्ट टू कवर करेगा, मतलब आप जो पार्ट टू है वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सिविल इंजीनियर होता है उसके उसमें एक टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियर के जिसमें आपकी दो बुकें होती हैं, पहला होता है पब्लिक वाटर सप्लाई और दूसरा मतलब वाटर सप्लाई वाला होता है, और दूसरा आपका होता है डिस्पोजल एंड वेस्टेज। ठीक है, डिस्पोजल एंड वेस्ट, तो जो दो दो टॉपिक होते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कह रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग द प्रोजेक्ट इंक्लूड डैम्स सिस्टम्स एंड रिसाइकलिंग एंड द रीयूजिंग द बिल्डिंग वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, प्लांट्स टू डिसैलिनेट ओशियन वाटर टू इरीगेट द क्रॉप्स एंड सिस्टम दैट एक्सेस द रिफाइनरीज एंड रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर आपकी ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो इसमें दी गई हैं आपकी, जिसमें से आपके डैम सिस्टम्स हो जाए, रिसाइकलिंग रीयूजिंग बिल्डिंग वेस्ट कंस्ट्रक्शन आ जाता है, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई आ जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ जाता है, फैसिलिटीज उसकी, प्लांट्स एंड डिसैलिनेट ओशियन वाटर आ जाता है, इरीगेट क्रॉप्स आ जाती हैं, सिस्टम डैट एक्सेस द रिफाइनरी इन रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन। ये चीज़ें आपके इन्वायरमेंट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था आपका मास बैलेंस अप्रोच। देखिए
हमारा जो प्रोसेस पूरा का पूरा वर्क है वो मास बैलेंस अप्रोच पे डिपेंड करता है। तो क्या कहता है मास बैलेंस अप्रोच? कहता है इज वन ऑफ द सच सेट ऑफ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ रिसाइकल्ड कंटेंट इन प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक पैकेजिंग इन ऑर्डर टू क्लेम एंड द मार्केट कंटेंट एज रिसाइकल्ड। द यूरोपियन यूनियन इज नाउ डेवलपिंग द दीज रूल्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल रिसाइकल। मतलब इस समय जो आपका देखिए जो आपके यूरोपियन यूनिटरी यूनियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, तो दोनों पे वर्क कर रहे हैं, केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार के रिसाइकलिंग में ये वर्क कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है आपको अगर समझना है मास बैलेंस अप्रोच, तो मास बैलेंस अप्रोच में आपने अच्छा पढ़ा है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप 10 kg ले रहे हैं, आपने इसको यूज किया, यूज करने के बाद जब आपने आउटपुट निकला तो भी आपको क्या मिल जाए 10। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं आपकी, यहाँ से मास क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो यही टेक्निक के यूज करके हमें यहाँ पर वर्क करना है। मीन्स अगर हमने किसी भी सप्लाई को लिया, अगर हम किसी भी सप्लाई को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक पाइपलाइन है, दूसरी पाइपलाइन है, ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ पे जो Q3 जा रही है पाइपलाइन वो आपके क्या हो जा रही है, Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो रही है, तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पे यहाँ वर्क करेंगे। तो ये आपका मास बैलेंस अप्रोच के अंतर्गत आता है, मास बैलेंस अप्रोच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए और कुछ नहीं था आपके यूनिट फर्स्ट में, और कुछ नहीं है, और बाकी उसमें चीज़ें दी हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट दिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिए और लिक्विड, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी ही पेपर पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए पार्ट टू में हमने उसको नहीं लिया है। तो आपके जो यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो इतने ही थे, इससे कुछ नहीं समझना है, मतलब आपको बस देख लेना, समझ लेना एक बार कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से अब स्टार्ट हो गया मेन टॉपिक। तो चलिए यूनिट 2, यूनिट टू में सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट वाटर। क्या होता है वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर इज यूज द वाटर दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूजेज। द वेस्ट वाटर इफ्लुएंट आर रिलीज टू वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट सच एज लेक्स पॉन्ड्स स्ट्रीम्स रिवर्स रिजर्वायर ओशियंस ओशियंस। वेस्ट वाटर ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉर्म रन ऑफ रन ऑफ हो जाता है एज हार्मफुल सब्सटेंसेस वॉश ऑफ द रोड्स पार्किंग लॉट्स एंड रूफ टॉप्स। तो जो आपका वेस्ट वाटर होता है कहाँ कहाँ से इंक्लूड हो सकता है, कहाँ कहाँ से फॉर्म हो सकता है? तो जनरली वो आपका कहाँ पे होता है, आपका डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है वेस्ट वाटर, और कमर्शियल भी हो सकता है। जो वेस्ट वाटर एफ्लुएंट जो बाहर निकलता है वेस्ट वाटर, वो किसके फॉर्म में रिलीज हो सकता है? वो इन्वायरमेंट के वेरियस इन्वायरमेंट एरिया में रिलीज हो सकता है, जैसे आपका लेक में, तालाब में, तालाब हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, स्ट्रीम रिवर्स हो सकती हैं, उसके बाद आपके ओशियन जहाँ पे आपका क्या हो जाता है वेस्ट वाटर इफ्लुएंट कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है बाहर बाई पाइपलाइंस के द्वारा। उसके बाद वेस्ट वाटर ऑल्सो इंक्लूड द स्टॉर्म रन ऑफ, जो आपका आंधी तूफान के कारण जो आपका पानी बहता है या वेस्ट वाटर फ्लो हो जाता है उसके कारण, एज वेल एज द हार्मफुल सब्सटेंस वॉश ऑफ द रोड्स, जो वॉश हम लोग रोड को जो सफाई करते हैं उस समय जो हम हार्मफुल सब्सटेंस यूज करते हैं वो भी आपका वेस्ट वाटर में आ जाता है। पार्किंग लॉट्स एंड रूफ टॉप्स में भी हमारे क्या हो जाता है वेस्ट वाटर एज ए इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये वेस्ट वाटर है विदाउट ट्रीटमेंट, और ये हमने सीधे क्या किया रिवर यस ओशियन में हमने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका वेस्ट वाटर हो जाता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए वेस्ट वाटर से रिलेटेड। ठीक है, तो व्हेन अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्क्लोज डिस्चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपका इंजीनियरिंग पार्ट आ जाता है। व्हेन अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवेज आपका ट्रीटेड नहीं किया गया, मतलब जिस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज में बेटा आपका पूरा आ जाता है, जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, ये सब आपका सीवेज के अंतर्गत आ जाता है। इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि डिस्चार्ज वर्ड का मतलब है फ्लो होना, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में फ्लो को हम डिस्चार्ज यूज करते हैं, जैसे हम क्यू से शो करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वो डिस्चार्ज की होती है आपकी, एक मिनट यार, हाँ A1V1 होती है ना, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आपके डिस्चार्ज की यूनिट होती है, क्यू से शो करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर स्ट्रीम। तो जो आपका कुछ अनट्रीटेड सीवेज होता है या वेस्ट वाटर आप कह सकते हैं उसे, इट डिस्चार्ज इनटू रिवर स्ट्रीम, तो क्या होता है फ्लोटिंग सॉलिड प्रेजेंट्स, जिसमें क्या होते हैं फ्लोटिंग सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द डिस्चार्ज सीवेज गेट डिकम्पोज।
तो जो क्या होते हैं डिस्चार्ज सीवेज के साथ क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं कहाँ पे, रिवर स्ट्रीम में, एंड क्रिएट फॉल स्मेल, जो गंदी स्मेल पैदा करते हैं, और साथ में बैड ऑडोर भी होता है। डैट एक्सप्लेन, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाई यूजिंग द सम फिगर्स, आपको समझने के लिए मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ जिससे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को। तो मान लीजिए बेटा कि ये पाइपलाइन है और ये आपका पॉन्ड हो गया। अब देखें, अब ये पॉन्ड से जैसे वाटर आया, ये कौन सा था आपका, अब जैसे मैंने कलर चेंज कर लिया, आपका फॉल वाटर ले लिया, तो ये आपका फॉल वाटर आया पूरा, इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो जब मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, जो इसमें सॉलिड सब्सटेंस होंगे, सॉलिड सब्सटेंस के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल गैसेस जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, गंदे मतलब जो आपके इसमें फॉल स्मेल वाली जो गैसेस होंगी वो हो जाएंगे, और डोर भी हो जाएगा, जिसके कारण कुल मिला के उस एरिया के एनवायरमेंट पे पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या, ये आपका वेस्ट वाटर हो गया, वेस्ट वाटर कह सकते हैं, या आप इसे अनट्रीटेड वाटर, क्या ले नाम ले सकते हैं, अनट्रीटेड वाटर। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है ये पानी आ रहा है, जो वेस्ट वाटर आ रहा है, यही हमारा क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, किस डिस्चार्ज से आपका फ्लो हो रहा है, ये भी मैटर करता है, डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसका नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, क्या कह रहा है, द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज सीवेज, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है डिस्चार्ज करते हुए सीवेज में, कंज्यूम द डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है ऑफ रिवर स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम की इन गेटिंग ऑक्सीडाइज, और क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन को ले लेता है। मैंने आपको बताया कि देखिए दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऑक्सीडाइजेशन और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस, जब ऑक्सीडाइजिंग होता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है, और जब रिड्यूसिंग होता है तो ऑक्सीजन वो सॉरी ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन को हटा देता है, रिड्यूसिंग में ऑक्सीजन को ले लेता है, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, तो गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा, जब कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होगी तो ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, यहाँ पर ले लेगी, एंड डिक्रीजेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉजिंग द फिश स्केल्स एंड द अदर अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो इस पूरे लाइन का कहने का मतलब ये है कि सर सर की जो हमारा, मान लीजिए चलिए पॉन्ड बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे मान लीजिए जो आपका ये वाटर है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा चीज़ों को, ये आपका जो वाटर है इसमें जब आपके फॉल गैसेस, मतलब आपका जो मीन्स मान लीजिए कि जो आपका क्या है, लिक्विड वेस्ट वाटर है, मान लीजिए ये ब्लू कलर से मैंने वेस्ट वाटर कर दिया, तो जब ये वेस्ट वाटर आपका क्या आ जाएगा, रिवर स्ट्रीम में आएगा, जैसे ही वेस्ट वाटर आपके रिवर स्ट्रीम में आएगा बेटा, तो क्या होगा, इसमें जो आपकी ये मान लीजिए ये आपके क्या है, ये आपके, अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये आपका क्या है, ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा, जो यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ये मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, श्योर है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एरोबिक होते हैं, और जो एरोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, तो श्योर है, हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑर्गेनिक मैटर को मिल जाती है ऑक्सीजन कहाँ से, रिवर से, और जब रिवर से इन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये क्या होने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं, और जैसे ये लोग ये डिकम्पोज होंगे, जैसे ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो यहाँ की जो ऑक्सीजन ये सब क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जब यहाँ ऑक्सीजन बेटा रिमूव हो जाएगी, तो जो नीचे एरिया में जो हमारे फिश रहे हैं, मान लीजिए ये जो आपके फिश हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी, और जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी तो क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये भी एक इफेक्ट पड़ता है आपका, कि जब आप बिना ट्रीटेड किए हुए वेस्ट वाटर को रिवर स्ट्रीम या ओशियन में डालते हैं, तो इस प्रकार के इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अगला पॉइंट कह रहा है, द वेस्ट वाटर इज आर यूजुअली क्लासिफाइड एज द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। तो हमारे पास अगर मेनली अगर बात की जाए तो दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, एक तो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एक आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, वो सॉलिड सॉलिड वेस्ट आ रहा, बार बार सॉलिड मत यूज करिएगा, तो हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, एक आपका म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, मेनली दो प्रकार के वेस्ट वाटर होते हैं, और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी आता है जिसमें सीवेज वगैरह आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ कंटामिनेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर में कौन कौन से हमारे कंटामिनेंट होते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आता है सस्पेंडेड सॉलिड, क्या आता है आपका, सस्पेंडेड सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड का सोर्स क्या होता है बेटा, सोर्स की बात की जाए सस्पेंडेड सॉलिड के, तो ये जो सोर्स होता है बेटा आपका, यहाँ पे आपका डोमेस्टिक से होता है, डोमेस्टिक में पाया जाता है ये, और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंतर्गत आता है।
सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, बॉटम में क्या हो जाते हैं, कुछ समय के बाद टॉप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, बॉटम डाउन हो जाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। दैट इज द सस्पेंडेड सॉलिड जो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ काज क्या क्या हो सकता है एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस में, तो काजेज द स्लज डिस्पोज डिपॉजिट, जहाँ पे क्या हो जाता है स्लज आपका क्या हो जाएगा, फ्लो ना होने के कारण क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। एनारोबिक कंडीशन इन एक्वाटिक एना, और जो हमारा एक्वाटिक एनवायरमेंट है उसमें एनारोबिक कंडीशन इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी वहाँ पे, अब्सेंस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं ये क्या होते हैं, एक पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि देखो सस्पेंडेड सॉलिड जैसे ही आपके इस एरिया में सस्पेंड हो जाएंगे, जिस एरिया से हमारा सीवेज फ्लो हो रहा है, तो अगर उस एरिया में सस्पेंड हो जाएंगे तो वो पूरा का पूरा गेट मतलब क्या कर देंगे एक प्रकार से क्लोज। अब यहाँ पे हमारा क्या हो पाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्लज हमारा पास नहीं हो पाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे हमारी एनारोबिक कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद दूसरी पॉइंट की बात कर रहा है तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स में क्या हो सकता है कि ये सोर्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से पैदा हो सकते हैं, कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो डोमेस्टिक यूजेस, डोमेस्टिक वेस्ट से हो सकता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट से आता है। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो किसका कारण बनता है, किसका कारण बन सकता है, ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है उसका रीजन आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स हो सकता है, जो इसके वेस्ट वाटर के अंतर्गत आते हैं कंटेमिनेंट के। उसके बाद आ जाते हैं बेटा पैथोजेंस, जो आपके क्या होते हैं, डिजीज के फॉर्म करते हैं। अब ये कहाँ से मिलता है बेटा, पैथोजेंस आपके फॉर्म होते हैं डोमेस्टिक एरिया से या डोमेस्टिक वाटर से, जो आपका घरेलू पानी होता है, जो आपका निकलता है, जो जनरली हम लोग रोज यूज करते हैं उसके द्वारा। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात किया जाए तो ये क्या करता है, ये हमारे ट्रांसमिट करता है कम्युनिकेबल डिजीजे, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके फैल सकते हैं, उस डिजीज को क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है, पैथोजेंस हो जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स में जो सोर्स होता है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से फॉर्म होता है, और इसके कारण जो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस होते हैं वो हमारा यूट्रोफिकेशन हो सकता है। यूट्रोफिकेशन मतलब मान लीजिए जहाँ पे आपका पूरा का पूरा जल जलाशय वगैरह एकत्रित होता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होने लगती है। इस टॉपिक को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अलग से भी है, अच्छे से बाई ग्राफ का यूज करते हुए। तो ये आपका यूट्रोफिकेशन, जहाँ पे जलाशय में जब आपका जल वगैरह कलेक्ट हो जाता है एक जगह एरिया में पूरा, और वहाँ पे ये प्रोसेस होने लगता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके कम हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके कंटामिनेंट्स थे जो आपके वेस्ट वाटर से रिलेटेड थे। उसके बाद न्यू टॉपिक में चलते हैं, उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वाटर इज अ रिमार्केबल सब्सटेंस ऑफ अर्थ प्लैनेट्स, ठीक है, ये आपका टॉपिक है अगला। तो इस टॉपिक में भी चलते हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वाटर इज अ सिंपली टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सर जो वाटर होता है H2O होता है, H2O में देखा जाए तो टू एटम हाइड्रोजन होता है, वन एटम ऑक्सीजन होता है, श्योर, ठीक है। टुगेदर डिस्पाइट द सिंपलिसिटी द वाटर हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी, तो वाटर में कौन कौन सी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे विदाउट वाटर, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है रिमार्केबल प्रॉपर्टी, जो मतलब ये फिक्स है कि एक एटम ऑक्सीजन होता है, दो एटम हाइड्रोजन होते हैं, ये इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर से रेशियो के बीच का बात की जाए तो अगर H2O में मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताऊं तो 16 ऑक्सीजन ओ रेशियो, अगर H की बात की जाऊं बात करूं तो क्या हो जाएगा, O का 16 होता है और H का क्या हो जाता है 2, तो 1 से कट जाएगा तो 1:8 हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन क्या होगा, 1:8, ये इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज हो जाती है। कह रहा विदाउट वाटर द लाइफ माइट नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, हम सब जानते हैं। सर्टेनली वुड नॉट बी हैव द ट्रिमेंडस कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डाइवर्सिटी दैट वी सी, तो इसके कारण हम बहुत सारे ट्रिमेंडस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे सामने हो सकती है और बहुत प्रकार की भिन्नताएं पाई जा सकती हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं या देखते रहते हैं जब पानी की हमारे यहाँ कमी हो जाती है। वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीज हैज हाई सरफेस टेंशन, पानी जब क्या होता है फ्रीज होता है तो उसका एरिया क्या होता है बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन आपने आई थिंक जिन लोगों ने CBSE या UP से भी पढ़ा होगा, तो इंटर में एक टॉपिक होता है स्मॉल ड्रॉप और बिगर ड्रॉप, तो बिगर ड्रॉप जो आपकी ऐसे फॉर्म होती है, जो स्मॉल ड्रॉप होती है ऐसे होती है, तो इसका कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो क्या कि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, टेंशन ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये चीज़ आपने जब पढ़ी होगी सरफेस टेंशन, जब कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा या कैपिलरी
राइज और फॉल पड़ा होगा, तो यहाँ पे देखोगे कि जितना सरफेस से कम टच होता है उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा और टेंशन उतना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना उसका सरफेस टेंशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। उसके बाद कह रहा है अर्थ ओशियंस कंटेन 97% ऑफ प्लैनेट्स वाटर, ठीक है, तो ओशियन में समुद्र में 97% वाटर और 3% जस्ट ऑफ फ्री फ्रेश वाटर, 3% या आप इसी को बोलते हैं 0.03, ठीक, ऑफ वाटर विद द लो कंसेंट्रेशन ऑफ द साल्ट, जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, नमक होता है। आई स्टोरेज लोकेशन फॉर वाटर सच एज एन ओशियन ग्लेशियर एंड पॉन्ड्स एंड इवन द एटमोसफेयर इज नोन एज द रिजर्वायर, जहाँ पे आपके बेटा जिन जिन एरिया में क्या होता है आपका स्टोरेज लोकेशन, जैसे आपका ओशियन हो गया, ग्लेशियर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, इवन अब देखो इसमें रिवर नहीं आएगी, क्योंकि रिवर होती है फ्लो होती रहती है, इसलिए हम उसे रिजर्वायर नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, रिजर्वायर वहाँ उस एरिया कहेंगे जहाँ पर पानी एट अ कॉन्स्टेंट लेवल में बना ही रहता है, जैसे आपका पॉन्ड हो सकता है, ग्लेशियर हो सकते हैं, आपका ओशियन हो सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल स्टे इन द रिजर्वायर इज नोन एज अ रेजिडेंस टाइम, मैंने बताया ना कि जितने समय तक आपका वाटर का मॉलिक्यूल उस एरिया में बना रहेगा जैसे रिजर्वायर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंस टाइम, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते, अब थोड़ा मैंने यहाँ पे फिगर ऐड कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप और अच्छे से समझ सकें इसको। देखिए टोटल ग्लोबल की बात की जाए तो टोटल ग्लोबल में आपके कितना है, 96.5% ओशियन वाटर है, अदर सैलाइन वाटर 0.9% है और 2.5% आपका फ्रेश वाटर है। अब इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में ग्लेशियर ऑन आइस कैप में 68.7% है और ग्राउंड वाटर आपका 30% नियरली, और सरफेस जो फ्रेश वाटर है वो 1.2% ऑनली। उसको सरफेस वाटर को जब फर्दर डिवाइडेड किया तो उसमें आइस, ग्राउंड आइस एंड क्या हो जाए फर्मा फॉरेस्ट वाला 69%, लेक्स में आपका 20% है, उसके बाद आपके सॉइल मॉइस्चर में आपका 3.8% आ जाता है, मार्शेस वगैरह में 2.6% आ जाता है, रिवर में 0.49% है और लिविंग थिंग्स में 0.26% है और एटमोसफियर में 3% है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक एक करके बता दिया गया किस कितना वाटर कहाँ कहाँ पे अभी अवेलेबल है, ठीक है। देखिए ये आपको टोटल ग्लोबल वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, सरफेस वाटर है, अदर वाटर, ठीक है, क्योंकि आगे आपका टॉपिक सरफेस वाटर भी है, मतलब सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, तो ठीक है, तो हम आगे उसे कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक मुझे लगता है लास्ट टॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि मैं अब थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी में भी देना है, इंग्लिश में भी देना है, तो देखिए ऐसा होता है ना, हम लोग दो दो दिन का गैप हो जाता है, तो दो दो दिन का गैप नहीं करना, हम भले ही वीडियो भी मैंने सोचा कि छोटा बनाऊं मगर रोज का मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं ताकि आपकी स्टडी ना कंटिन्यू बनी रहे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि एक दो दिन लग जाता फिर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, मैं रोज वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूं, भले ही जितना कंप्लीट हो जाएगा उतनी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होती है, तो कहता है एज स्टार्ट स्टेटेड अर्लियर द वेरियस अर्थ वाटर सोर्सेज गेट दियर द सप्लाई फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, वाइल द प्रेसिपिटेशन इन इट सेल्फ इज इवेपोरेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज कॉमा फुल स्टॉप, तो कह रहा है कि जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि हमारे अर्थ में एक सिस्टम बना हुआ है कि जब हमारा पानी क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट होने के बाद सेल्फ से ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, किस सोर्सेज से वो हमें अच्छे से पता, आगे हम फिगर में डिस्कस करेंगे। फिर क्या कहता है, वाटर इज लॉस्ट टू द एटमोसफियर एज अ वेपर ऑफ फ्रॉम द अर्थ, वेपर के फॉर्म में क्या होता था, वाटर आपके एटमॉस्फेयर से लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड विच इज देन प्रेसिपिटेटेड बैक, और फिर दोबारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ द रेन, स्नो, हेल, ड्यू, स्लीट, फॉर, दो आपके ठंडी में ओला वगैरह होते हैं जो, इसके कारण क्या होता है, रेन होती है, वर्षा होती है, इसके कारण क्या होता है आपका पानी पुनः हमें मिल जाता है, एंड दिस प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन विल बी कंटिन्यू फॉर एवर, ये हमेशा आपका कंटिन्यू चलता रहता है, साथ में बीच में ट्रांसपिरेशन भी होता है, ठीक है, वो भी मैं अभी फिगर में आपको बताता हूँ कैसा होता है, एंड देयर बाई द बैलेंस ऑफ द मेंटेन बिटवीन द टू, इसके कारण क्या होता है, दोनों चीजें आपस में बैलेंस होती है, ये एक प्रकार से मास बैलेंस रेशियो भी इसके अंतर्गत लग सकता है, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। तो इसको देखो मैंने फिगर से थोड़ा बताया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो मैं फिगर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो देखिए ये आपका फिगर है, अब मान लीजिए क्लाउड है, क्लाउड से क्या हुआ, प्रेसिपिटेट होगा, सिंपल है, किसके फॉर्म में हो सकता है सर, रेन के फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में,
तो जब आपका पानी प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कुछ पानी आपका क्या हो जाता है, तुरंत रन ऑफ हो जाता है। जैसे वर्षा का पानी अगर प्रेसिपिटेट होता है तो कुछ पानी बह जाता है, रन ऑफ होता है, और जो पानी रह जाता है वो क्या हो जाता है, इनफिल्टर्ड हो जाता है। जो इनफिल्टर्ड हो जाता है वो आपका ग्राउंड वाटर हो जाता है, और जो रन ऑफ होता है वो जाके या तो लेक में आ जाता है या पॉन्ड में आ जाता है। लेक में आ जाता है, कुछ रिवर में आ जाता है, कुछ पॉन्ड्स में आ जाते हैं। तो जो पॉन्ड्स, रिवर और ओशियन, ये ओशियन हो गया या सी सी कह लीजिए, तो जो आपका लेक, सी और रिवर, इससे जो पानी आपका वापस बैक जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। किसके थ्रू जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू। देखो, मगर जो पानी आपका क्या होता है, वेपर फॉर्म में जाता है थ्रू ट्री, मतलब डायरेक्ट आपका कोई वाटर बॉडी से नहीं जा रहा, बल्कि किसी पेड़ पौधे के द्वारा जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो याद रखेंगे इवेपोरेशन ये होता है जब किसी डायरेक्ट वाटर बॉडी से जब हमारा वाटर वेपर फॉर्म में जाता है, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन होता है। और जब आपका इवेपोरेट होता है बाय यूजिंग सम ट्रीज, वेजिटेबल्स ट्रीज, या किसी भी ट्रीज के द्वारा आपका जो पानी ऊपर इवेपोरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। और ये प्रोसेस फिर जाके आपका कंटिन्यू हो जाता है, तो ये एक प्रकार से कंटिन्यू ऐसे कैरी होता रहता है, ठीक। तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसी को बेटा बोलते हैं वाटर साइकिल, इसी को वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसी को वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो था आपका वाटर पॉल्यूशन, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड किया जाए। न्यू टॉपिक है आपका, उसमें वाटर पॉल्यूशन ही है शायद मेरे ख्याल से, हाँ वाटर पॉल्यूशन है। तो इसे नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, वाटर पॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपका सरफेस वाटर भी है उसमें, ठीक है। तो सरफेस वाटर, वाटर पॉल्यूशन, और सरफेस वाटर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं न्यूमेरिकल्स भी आपके इसी में ही डिस्कस करूंगा, मैं खुद ही सॉल्व करूंगा पूरे न्यूमेरिकल, ठीक है। और साथ ही साथ आपको भी एक दो न्यूमेरिकल घर से करने के लिए या होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका इंग्लिश पैटर्न में है, कुछ देर बाद आपको हिंदी में भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये रहा आपका पेपर सेकंड का टॉपिक, और पेपर सेकंड पार्ट टू आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा आपका इंजीनियरिंग का ही कोर्स रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं पूरा इंजीनियरिंग की ही बुक प्रेफर कर रहा हूँ, दो चार बुक से मैं आपको कंप्लीट करके पूरा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सर किस बुक से पढ़े किस बुक से पढ़े। अगर मैं आपको सभी बुकों से कंटेंट कंबाइन करके एक जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप वो ढूंढने के बजाय आप इस कंटेंट को रिवाइज करने पे ज़्यादा टाइम देंगे, तो आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल समय यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा।